जीत पर पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या, किसका श्रेय देंगे, पार्टी को, पार्टी नेतृत्व को, कार्यकर्ताओं को या कमजोर कांग्रेस को? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, निश्चित रूप से कुशल नेतृत्व, कुशल नेता, लोकप्रिय नेता विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के हमारे जो नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को निश्चित रूप से निर्विवाद रूप से इसका श्रेय जाता है। साथ ही जाता है उनकी कुशल संगठन क्षमता को, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को। तो तमाम इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़े मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, आभार प्रकट करना चाहूंगा पूर्वोत्तर के उन सभी राज्यों का जहां भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से, कहते हैं त्रिपुरा के अंदर अभी किसी सरकार ने दोबारा रिपीट नहीं किया, आज पहली बार जो है ऐसा देखने को मिल रहा है कि पहले से अच्छे मार्जिन के साथ, पहले से ज्यादा अच्छी सपोर्ट के साथ हम लोग निकल करके वहां आए और हमने सरकार बनाई। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगा नागालैंड की जनता का भी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की विश्वास की जो नीति है, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिरता की नीति है, देशभक्ति की जो नीति है, देश के विकास की जो नीति है, देश का विकास का जो मॉडल है, ईमानदारी का जो मॉडल है, उसको स्वीकार करते हुए नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजय बनाया और यहाँ पुणे लौट करके हमारी सरकार आई। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा निश्चित रूप से मेघालय में भी, वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो हमने पहले से अच्छा परफॉर्म किया है, हमारे को पहले से अच्छा वोट ऑफ परसेंट मिला है। तो कुल मिलाकर के ये आने वाले 2024 का संदेश है, वो कहते हैं कि फूट के पांव पालने में दिखाई पड़ जाते हैं, आगाज तो अच्छा है और भगवान ने चाहा अंजाम भी अच्छा होगा।